भाई अमृतपाल सिंह खालसा राजनीति में आना नहीं चाहते थे, मगर संगत के निवेदन को देखते हुए उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे। देखो ये जनता का चुनाव होगा और जनता आप हारे उनका जो है उनके लिए कंपेन करेगी, उनको कंपेन के लिए आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई अमृतपाल सिंह खालसा का इतना बड़ा अमेज है कि वो अमेज पंजाब के लोगों में और खडूर साहब की कंस्टिट्यूएंसी के लोगों में, वो अमेज के सहारे जो है ऐसी वोटिंग होगी कि उस जो सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। भाई अमृतपाल सिंह खालसा राजनीति में आना नहीं चाहते थे, मगर संगत के निवेदन को देखते हुए उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे खडूर साहब कंस्टिट्यूएंसी से लोकसभा का। 1 जून को जो पंजाब में चुनाव हो रहा है, जिसके लिए 7 मई को नामांकन जो पेपर हैं वो दाखिल करने शुरू होंगे और 14 को ख़त्म होंगे, उस चुनाव में वो लड़ेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो थम्पिंग मेजोरिटी से जीतेंगे, इतनी मेजोरिटी होगी जो अनप्रेसिडेंटेड होगी जी। वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर जो ये प्रक्रिया है ये पंजाब से चलेगी, यहाँ पर सेंट्रल जेल में वो कैद है, तो ये कैसे आप मुमकिन होगा? ये देखो ये जनता का चुनाव होगा और जनता आप हारे उनका जो है उनके लिए कंपेन करेगी, उनको कंपेन के लिए आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी खर्चे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई अमृतपाल सिंह खालसा का इतना बड़ा अमेज है कि वो अमेज पंजाब के लोगों में और खडूर साहब की कंस्टिट्यूएंसी के लोगों में, वो अमेज के सहारे जो है ऐसी वोटिंग होगी कि उस जो सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएंगी और भाई अमृतपाल सिंह खालसा बड़ी मेजोरिटी से वहां से विजय हासिल करेंगे। वहां पर कौन कौन से पार्टी है जो जिनके साथ आपका कंटेस्ट होगा? देखो वहां पे आम आदमी पार्टी जो पंजाब में हुकूमत कर रही है, उसकी ओर से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंजाब लालजीत सिंह भुल्लर है, और दूसरा एक मन्ना साहब है वो भाजपा की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से है, और एक श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की ओर से हरपाल सिंह बलेर है। कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, अकाली दल ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। अमृतपाल कौन से दल से मतलब वो चुनाव लड़ेंगे? भाई अमृतपाल सिंह खालसा इंडिपेंडेंट आजादाना तौर पर चुनाव लड़ेंगे, किसी राजनीतिक पार्टी की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना किसी का चुनाव निशान लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो आपने वो जानकारी दी है उसमें, लेकिन अमृतपाल के जो माँ है उन्होंने पंजाब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहे कि वो अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। देखिए बात ये होती है कि ये नहीं होता कि उनके परिवार के मेंबरों को, जो सारा सिख संगत है, जो सारा सिख समाज है, वो भाई अमृतपाल सिंह का परिवार है। भाई अमृतपाल सिंह किसी परिवार के लिए नहीं जीते, वो खालसा पंथ के लिए जीते हैं। जो बात होगी कल तो उनकी मुलाकात तय है तरसेम सिंह जो उनके फादर हैं और सुचैन सिंह जो उनके चाचा हैं, वो कल तो उनको मिलने जेल में आ रहे हैं, तो वहाँ से कंफर्मेशन हो जाएगी।